रुको, डैड जूम इट। ओह ये आप सिंगल हो और आपको दुखी होना है, ज्यादा बहुत ज्यादा दुखी होना है, तो पुराने के लिए जरूर आना, यहाँ पे बहुत दुख मिलेगा आपको, दुख दर्द कष्ट पीड़ा। ये शिवरी से हो क्या भैया आप? हैं? नहीं, लग तो गांव के रहे हो, पर आप ये शिवरी क्यों पड़ती है सर? नहीं तो मतलब दिल्ली में क्या कर रहे हो आप, कुछ काम वाम करने के लिए आए हो क्या? हाँ, जो CJI है ना अपने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब ज्यादा आप उसका प्यून फालतू बातें मत करो, प्यून की स्पेलिंग सुनाना यार। कर्मचारी हूँ सरकार। हाँ जी, वही ना बात, सरकार के ज्यादा कर्मचारी लग रहे हैं आपको। तो ये व्हाइट हाउस लेने की सोच रहे हैं, तो आप क्या क्या सोच रहे हो, मतलब व्हाइट हाउस लेने के लिए तो थोड़ा पैसा मैसा दे दीजिए, कितना दोगे ऐसे? यही कुछ अपना 1-2 बिलियन बस। हाँ, सस्ता ही है ना, महंगा नहीं है ना? ज्यादा महंगा नहीं है, इतना सस्ते चाहिए मत लिया करो भैया आप, मतलब थोड़ा सा ये इस हिसाब से वैसे आप ये मैं आपके घर में नहीं रह सकता, इस हिसाब से जो है मैं आपके घर में नहीं रह सकता भैया। आपने ज्यादा, अपने घर में रहूंगा मैं, व्हाइट हाउस में रहूंगा। शकल के हिसाब से आप खड़ा होने बोल तो दे रहे हो कि फोटो खिंचवाना है हमें। क्या मैं सपना देख रहा हूँ? ये सपना तो देख रहा हूँ ये। नहीं यहाँ से ये बहुत अच्छा है यार, मतलब कुछ नहीं है शिवपुरी में, नहीं है वो, ये कहिए ताते टोपे बस बेचारा था, वो उसमें दिखा देते हैं बस। इसमें चलते हैं यार, अंदर चलते हैं यार भाई, मतलब रैंडमली प्लान बना हुआ था कहीं घूमने के लिए जाएंगे, और वैसे प्लान बना हुआ है लाल पुराना किला जाने का, वहाँ जा रहे हैं घूमने के लिए, और समुद्र प्रहारी पर गए हुए हैं। ये क्या है, ये भारतीय तटरक्षक, यहाँ पर ठीक है, सोचा था वहाँ पर आ गए हैं, लाल किला का सोचा हुआ था, प्लान था कि लाल किला पर घूमने के लिए जाएँ हम, और लाल किला मेरे लोग जस्ट सामने है अभी, यहाँ पर क्या है टिकट वगैरह चल रहे हैं, तो थोड़ा टिकट वगैरह चल जाते हैं, उसके बाद हम चलेंगे लाल किला घूमने के लिए। लाल किला काफी टूरिज्म के लिए बेस्ट माना गया है, तो चलते हैं वहाँ पर। वेलकम टू लाल किला, वो लाल क्या है पुराना किला। अबे हमें हमेशा मेरे साथ आता, वो आता है हमेशा मेरे साथ में, वही आता है। कहाँ से कहाँ जाना समझ में नहीं आ रहा ना, एक तो यार ये देख, जब मतलब ऐसे रंपा मिल जाते हैं ना गाँव के फोटो खिंचवाने के लिए, यहाँ का इतिहास हमें पता नहीं है, पर घूमने के लिए आ गए हम यहाँ पर, क्या होता है क्या होता है, पर देख लो तुम, एंजॉय करो कैसा है। बहुत बड़ा है ये, मैं पूरा ब्लॉग डाल नहीं पाऊंगा यार, यहाँ पे बताऊँ सब लोग लगे हुए हैं एक दूसरे से मुंह लगाने, मुंह से मुंह मतलब फूल से फूल चिपकते हैं ना वैसे लगे हुए हैं यहाँ पे। ठीक है यार, सब बढ़िया है, जे ये वो गाना आता है ना, मैंने रोया तुझे ढूंढे ढूंढे, अरे भैया अरे कर तो लो यार, हम तो कर दो भैया, देख ही नहीं रहा है वो, देख ही नहीं रहा है भाई, मैं बोल रहा हूँ अरे भैया वो कुछ कर ही नहीं रहा है। आप सिंगल हो और आपको दुखी होना है, ज्यादा बहुत ज्यादा दुखी होना, तो पुराने के लिए जरूर आना, यहाँ पे बहुत दुख मिलेगा आपको, दुख दर्द कष्ट पीड़ा जो भी होता है ना वो सब मिलेगा यहाँ पे आपको, क्योंकि हर कोने में, यहाँ पे कहीं घास में, कहीं कोने में, कहीं खिड़की में, कहीं गड्ढे में एक दुख मिलेगा आपको, जो कि हमें मिल रहा है। मेरी आते चिपक चुकी है मेरी, सही में दुख के मारे मेरा खड़ा बुनी होगा मेरा। दोस्तों मैं मरने के लिए जा रहा हूँ, देख लो इतने नीचे, क्योंकि बताऊँ
दिल्ली में भी आया हूँ मैं, दिल्ली में भी लोग एक दूसरे से चिपक चुके हैं। ये क्या है? दुख दर्द। ये क्या है? ये क्या है? दुख दर्द पीड़ा कष्ट। भाई मैं यहाँ ब्लॉगिंग में कितना जाऊँ मैं, जो मैंने आपको बताए थे वो इसमें घुस चुके हैं अंदर यहाँ पर, आपको दिखाता हूँ अगर वो। भाई तूने बहुत गलत टाइम पे ब्लॉग बंद करा। अरे यार नहीं बुला, नहीं डालता था कि पुराने क्लिप वही यौन पीड़ितन की घटना है। अबे ये नहीं खोले हम, ये क्या कर दिया। हाँ ये ऐसा कुछ था, हाँ ऐसा भी डाल सकते थे, इतना डाल देगा ना उस भाई। तो देख रहे हैं आप कष्ट, बहुत कष्ट है यार यहाँ पर यार, मतलब दर्द पीड़ा कष्ट। इतना कष्ट मत दे भाई, इतना संभोग नहीं, संभोग में गलती हो जाएगी। आपने संभोग नहीं किया, दूसरों को संभोग तो करने दो कम से कम। संभोग? हाँ ये क्या होता है? ये दो लोग वार्तालाप करते हैं दूसरे से, उसे कहते हैं संभोग। वार्तालाप मुंह से नहीं, थोड़े कुछ गलत जगह से करते हैं। अबे यहाँ पे कोई फिर मरने वाले काम हो रहे हैं, रहने भी। एक चीज और दिखाता हूँ फिर आपको, फिर से मैं दुख, फिर से दुख, इतना दुख नहीं दे सकता मैं यहाँ से। मैं संभोग कुछ दिखाने के लिए जा रहा हूँ, देखिए इस बीहेड में कहीं ना कुछ तो हो रहा होगा, जरा देखिए आप, जरा देखिए आप। सुन तो, मैं तुझे आईडिया देता हूँ। हाँ ये क्या कर रहे हो? ये क्या है? ओ ये सिंगल है। आपको दुख है क्या? बहुत आप तो भाई, अब सकल भी तो संभोग भी तो अच्छी हो, सकल भी तो अच्छी हो, ये संभोग के लिए आपको। आपको ये चीज़ दिखाता हूँ मैं, जाना बारिश हो रही है दूर। अबे भाई यहाँ तो यार जूम नहीं हो रहा है, जरा दो दो कपल्स चिपके हुए हैं एक दूसरे से, छूट गए। तो अभी सिर्फ एक चीज़ पता पड़ी है यहाँ की, तो ये है कि ये यहाँ पे, अरे यार क्या शानदार व्यू आ रहा है यार, क्या शानदार ग्रीनरी आ रही है, देखिए जरा वो, देख ऐसा लग रहा है मूवी है, देख मूवी देख रहे हैं इसमें देख। अबे नहीं यार, मतलब अबे सही में यार, बाप दादा ने नहीं देखा था मेरे ऐसे, तो सही में आज देख लिया मैंने, मुझे खुशी बहुत हो रही है। सही में पैसे पट गए यार, 20 रुपये पट गए, सही में पट गए 20। सबसे अच्छी चीज लगी सही में यार, कून जाओ मर जाओ। पैसे तो वहाँ चूल हो गए थे तेरे। कहाँ पे? हाँ वहाँ हो गए थे, पर यहाँ 5 रुपए और लग गए, यहाँ 5 रुपए और लेते थे। तो क्यों? ये सीन दिखाने के लिए। हाँ अब आ गए हैं हम इंडिया गेट, जो कि हमने चित्रों में देखा था, सिर्फ और सिर्फ चित्रों में देखा था, और जो कि अब हम रियलिटी में देखने के लिए जा रहे हैं। तो हम बहुत ज्यादा खुश है, बहुत ज्यादा खुश है, और बहुत ज्यादा खून बढ़ चुका है हमारा। अब हम देखना चाहते हैं कि इंडिया गेट कैसा है, कैसा है, कैसा है इंडिया गेट। जी देखिए जैसे इंडिया गेट, एक बार और, एक बार और, एक बार, एक बार जनता है। अच्छा दिखाते हैं आपको। ओ हो मैन, मैन मैन द ब्यूटीफुल डे। इसके पहले आपके मम्मी पापा कभी आए हैं यहाँ पर? भैया भैया कभी मम्मी पापा आए हैं आपके इधर? ये काय की भी लाइन है यार, देखा है आपने बाप, आपके बापों ने देखा है ये? इंडिया गेट, यू हैव अ वंडरफुल डे एंड वंडरफुल प्लेस इंडिया एंड चीप मैन विद यू। भारी भीड़ है यार, पर गर्मी भी नहीं ऐसा मारा था, मैं फुंसियाँ हो गई हैं 2 घंटे के अंदर। भैया कि पानी का मतलब ऐसा माहौल है, मतलब मैं कह नहीं सकता इतना कर रहा हूँ।
निकल चुका हूँ और काफ़ी संघर्ष करना पड़ा हुआ, तो काफ़ी थक गया हूँ आज के दिन में। तो मैंने सॉरी बीच में बहुत ब्लॉग वगैरह नहीं बनाया था, मैंने मतलब मेट्रो वगैरह में और आगे कुछ चीज़ों में। और अभी मैं मेट्रो से अपने स्टेशन मेट्रो स्टेशन 18 में आ गया हूँ, मैं अब घर जा रहा हूँ। मैं तो घर जाने का थोड़ा सा बना लेता हूँ, बताया था मैं रास्ता मस्ता कैसा है। अबे तो ये क्या है, अबे ऑडी खड़ी हुई है, वो भी धूल लगी हुई थी। अबे ये यार ये क्या है यार, देखो यार क्या धूल खा रही है। अबे जिसको पैसे होते हैं उसको कदर नहीं होती, ये बात सही है यार, है ना। ऑडी है और धूल खा रही है, पिछले मेरे हिसाब से 6 महीने की धूल है इस पर। एक चीज़ देख लिया मैंने, जैसे पैसे होते हैं कदर नहीं होती उन लोगों। Thank you.